आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई जिलों में 12 से 10 लोगों की मौत हो चुकी है। दोनों राज्यों में 99 ट्रेनें कैंसिल हुई हैं। 54 ट्रेनों को डायवर्ट किया गया है। यहां कई नदियां उफान पर भी हैं और एनडीआरएफ की 26 टीमें तैनात की गई हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि 1998 के बाद ऐसी बाढ़ आई है। 17,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। सबसे ज्यादा हालात विजयवाड़ा में खराब है। यहाँ कुछ इलाकों में 10 फीट तक पानी भरा है। शहर में 2.76 लाख लोग बाढ़ के प्रभाव में आ गए हैं। उधर तेलंगाना में बाढ़ बारिश से तेलंगाना में 24 घंटे में 9 लोगों की मौत हुई है।